ये है राहत इंदौरी जी, ये इन दिनों पटना आए हुए हैं। पटना मतलब कैसा लगा सर? मतलब पटना से बहुत चार दहाइयों का रिश्ता है, अक्सर आते रहते हैं और ये बड़ी साहित्यिक लिटरेरी और अदबी जमीन है यहाँ, जो आमतौर पर ऑडियंस ऐसे कम मिलते हैं हिंदुस्तान में, जो हम कहना चाह रहे हैं उसके साथ सफ़र करते हैं, अच्छा लगता है यहाँ आकर। सर अभी के दौर में जैसे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गज़लें हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, मतलब जो समाज जिस समाज का जो आधार है मूल रूप से गज़ल कहानी कविता जो समाज के यथार्थ को व्यक्त करती है, उसके और मतलब कैसा युवा पीढ़ी का आकर्षण इंटरनेट आने के बाद कैसा दिख रहा है? मैं तो समझता हूँ लोग कहते हैं कि इंटरनेट आने के बाद कविता और साहित्य और अदब और कहानी और अफसाना ये सब ख़त्म हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा है। मैं देखता हूँ मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस में, इंजीनियरिंग में, IITs में जब जाता हूँ तो 10,000 बच्चे एक साथ बैठ कर शायरी सुनते हैं, कविताएँ सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी साहित्य हो या उर्दू साहित्य हो, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसकी जड़ें हज़ारों बरस की हमारे मुल्क में हैं। सर अभी के दौर में जो देश में हर मतलब कोई छोटा सा भी विवाद मतलब मामूली से बात को लेके लोग जो विकास है या जैसे शिक्षा है या तो गीत संगीत सांस्कृतिक जो माहौल है उस पर बात नहीं करके मतलब बेवजह इधर से उधर तूल दी जाती है बातों को, उसको लेके लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, इस पे सर? हाँ, कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है और ख़ास तौर पर इसे तो आपका ताल्लुक भी मीडिया से है, तो मैं तो ये सिर्फ ट्रांसफ़र आप ही लोगों पर कर सकता हूँ कि ज़्यादातर ये जितने भी शब्द हमारे यहाँ नए नए आ रहे हैं, सहिष्णुता सहिष्णुता और ये तरीके से ये मिश्रा मीडिया वालों के ज़्यादा गढ़ लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हवा की तरह आए हैं, हवा की तरह आज चले जाएंगे, देश फिर स्थिरता की तरफ आएगा, देश में फिर विकास कार्य होंगे, देश में फिर अच्छाइयाँ मोहब्बतें प्यार जो देश की पहचान है वो फिर से होगी।